फ्रेंड्स, RHEL 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यह शॉर्ट कमांड सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ह्यूमन इंटरपल्स नंबर्स पर शॉर्ट कैसे किया जाता है, शॉर्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जैसे 1 KB, 1 MB, 1 GB नंबर्स हैं, इनको हमें शॉर्ट करना है, तो कैसे शॉर्ट करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको शॉर्ट कमांड के साथ में -H ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, -H फॉर ह्यूमन इंटरपल फॉर्मेट। तो इसके लिए जो सिंटेक्स है शॉर्ट कमांड का वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना है शॉर्ट, उसके बाद -H ऑप्शन, और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिस फाइल के कंटेंट को आपको शॉर्ट करना है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं केट कमांड की सहायता से। तो ये उस फाइल का कंटेंट है, जैसे यहाँ पे आ रहा है 1 KB, 6 KB, 2 KB, 10 MB, 3 MB, 7 GB, 8 TB, 5 KB, 78 TB। अब ये जो आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसको हमें ह्यूमन डबल फॉर्मेट में शॉर्ट करना है। सबसे पहले KB आना चाहिए, उसके बाद MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB और उसके बाद TB। तो उसके लिए शॉर्ट कमांड का जो सिंटेक्स है, शॉर्ट कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, शॉर्ट -H, और उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिसका कंटेंट आपको शॉर्ट करना है। तो देखिए, ये जो आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शॉर्टेड है। सबसे पहले 1 KB, फिर 2 KB, फिर 5 KB, फिर 6 KB, फिर 3 MB, फिर 10 MB, फिर 7 GB और फिर 8 TB और फिर 78 TB। KB, MB, GB और TB और PB इस फॉर्मेट में ये शॉर्ट हुआ है। तो इस प्रकार आप किसी फाइल के कंटेंट्स को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।